रोशनलाल भाटी नाम है मारा। पर थे लोगों के लिए प्यार से सिर्फ रॉकी भाई। मारे पर एक एहसान करना कि मारे सामने भाईजान और बजरंग बली के बारे में गलती से भी कुछ गलत मत कह देना। बाकी तुम्हारी एंट्री देखकर समझ ही गए होगे। तो चलिए इस खेल को शुरू करते हैं। ये तो बच्चा है, इसको तो मसाले के नाम भी ठीक से पता नहीं होगा। ये खाना क्या हवा में बनाएगा? मैं तो खाने की खुशबू से ही बता सकती हूँ कि इसमें कौन से मसाले कम पड़े हैं और कौन से ज्यादा। तो अब हम क्या बच्चों के साथ कम्पीट करेंगे? तुमसे नहीं हो पाएगा खाना बनाना। जानते हो हमको 35 साल का एक्सपीरियंस है, हमारे सामने 35 मिनट भी नहीं टिक पाओगे। कुकिंग इज एन आर्ट, इट्स अबाउट प्रेजेंटेशन। और इस आदमी को देखो, इसकी शक्ल है सर्कस में काम करने वाली की और आए है कुक बनने। अब तुम सब लोग शांत हो जाओगे। अमर जी, ये तो वाकई में बच्चा है, ये कैसे हम सबका खाना बना पाएगा? हमने पहले ही कहा था ना कि हमें सिर्फ एक्सपीरियंस लोग चाहिए, फिर ये तो एकदम। रॉकी बेटा, मुझे लगता है तुम गलत जगह पे आ गए। यहाँ पे ना कुकिंग कॉम्पिटिशन हो रही है, डांसिंग या सिंगिंग नहीं। तो आप जा सकते हो। हे माता रानी, ये सब तुम्हारे अंदर घुसने से पहले ही मारे को बाहर निकालने पर तुले हुए हैं। अब के करूँ, ये प्लान फेल हो गया तो दूसरा मौका पता ना कब मिलेगा। रॉकी, तुम्हें अपने काम की डिटेल्स अभी तक बताई नहीं गई, तो सबसे पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि हमारा मित्तल परिवार इस शहर की सबसे बड़ी जॉइंट फैमिली। मतलब इतने सारे लोग, इतनी सारी चॉइसेस, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे ये जो बाली उम्र के कंधे हैं ना, ये इसका प्रेशर झेल नहीं पाएंगे। हाँ तो क्या बोलती पब्लिक? हो गया सबका, अब मैं बोल लूं क्या कह रहे थे? कपड़े से किसी इंसान के हुनर का कब से पता लगने लग गया? ये तो वही बात हो गई कि छिलका देखकर बता दिया कि फल और सब्जियां अच्छे हैं या बुरे। क्या कहते हैं अंग्रेजी में, डोंट जज बुक कवर। बुक बाय इट्स कवर। वही वही, बिल्कुल सही। अब थैलो के जानो कि मैं कितने बड़े मूवी के राइटर के यहाँ काम करता था। जावेद बख्तियार, नाम वाम सुना है क्या? रियली? जावेद बख्तियार? हाँ जी रियली, उन्हीं के यहाँ काम कर रहा था और वहीं से यहाँ आया हूँ। ऐसे हाँ माना, मैं हूँ 20 साल का। और हाँ, है लोगों ने मेरे को पहले कैसे जज कर लिया कि मैं खाना ना बना सकता हूँ 20 साल का हूँ, तो पहले चखो फिर जज करो, समझे? और मैं कौन सा है लोगों के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रहा हूँ कि काम दे दो काम दे दो। कॉम्पिटिशन है ना, तो फिर देख लेते किसमें कितना दम और कौन सा बच्चा किसके छक्के छुड़ाएगा, समझ में आई? जावेद जी ना अक्सर मारे को यही कहते थे, बच्चे तू भले ही हाइट में थोड़ा मार खा गया हो, पर वैसे तो तू हीरा है, मारा हीरो हीरा लाल है। तू जो भी करेगा ना, हमेशा बहुत बड़ा करेगा। उनकी इसी बात को ना मैंने खाने में नमक की तरह अपने सीने से लगा ली। बस फिर क्या था, एक से बढ़कर एक मूवी स्टारों के यहाँ काम किया मैंने। वैसे कौन से हीरो के घर में काम किया है? यू आर अ गुड क्वेश्चन। हीरो? अरे जिसका नाम ले लो, मधुशाला, ये कपूर, वो कपूर, सब क्या काम किया मैंने, कितनों के नाम गिनाऊं? सच में तुमने इतने बड़े बड़े एक्टर्स के घर में खाना बनाया? भाई कॉल कर ले पूछे। नहीं रहने दो रहने। भाई शोक सुनो, खाने का नाम आया तो एक ही नाम क्या? रॉकी भाई, रॉकी भाई, रॉकी भाई, क्या बोलती पब्लिक? रॉकी भाई, इसके पहले जब आ रहा था ना, इतने सारे सितारों के काल पे काल आ रहे थे, पर मैंने तो मना कर दिया। पूछो क्यों? 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 भाई अपनी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, अपनी ना जिंदगी का एक ही उसूल है, जहाँ ज्यादा मिठास होती है ना वहाँ चींटियां पड़ जाती है, इसलिए उसके पहले ही यहाँ से निकल लो। और हाँ भाई, एक्सपीरियंस नाम की भी कोई चीज होती है। अब मैं एक ही जगह रहकर एक ही तरह का खाना बनाऊंगा तो पकना जाऊंगा, मारे को भी तो नई नई चीजें सीखनी होगी ना। और हाँ, इसीलिए मैं एक्सपीरियंस देखता हूँ, पैसे वैसे ना। वाओ, कुक एंड फिलोसोफर, ये भी तुम्हें जावेद जी ने सिखाया? अरे नाना भाई, ये तो सोमेश शेट्टी का ज्ञान है। कौन? वो फेमस एक्शन फिल्म डायरेक्टर? अरे हाँ जी आंटी, सारे को तो पिक्चरों के बारे में सब कुछ पता है। बड़ी फिल्में देखती हो ना, काफी अपडेटेड हो। हाँ थोड़ी बहुत। हम पहले कहीं मिले हैं क्या?
रॉकी और व्हाट एवर योर नेम इज। हाँ जी, मैं थारे से मिला हूं ना हूं, थे मिले होगे। मतलब हूं इतना फेमस, ये पोस्टर वो पोस्टर, हर जगह अपनी चर्चाएं अखबार या कहीं पे भी। यार फेमस होने का ना यही पंगा है, सब पहचानने लग जाते हैं। इसलिए मैंने सोच लिया कि अब किसी स्टार के घर पर काम ना करूंगा, है जैसे लोगों के यहाँ काम करूंगा। अब बस भी करो, सारा टाइम क्या बातों में ही निकाल दोगे? जरा कंपटीशन वंपटीशन स्टार्ट करवाओ, थारी जिंदगी में हम भी तो थोड़ा नमक डालें। हाँ हाँ, ये सब बातों में तो हम कंपटीशन के बारे में भूल ही गए। चलो अब कंपटीशन शुरू करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले भाई सुनो ध्यान से, इससे पहले कि कंपटीशन शुरू हो, मैं तुम चारों पार्टिसिपेंट्स को कंपटीशन से जुड़ी हुई कुछ जरूरी बातें बता देना चाहता हूँ, ध्यान से सुन लेना। आप लोगों के टेबल पे ना खाना बनाने के कुछ इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं, सामग्री। अब आप लोगों को क्या करना है, इसी सामग्री का इस्तेमाल करके अपनी फेवरेट बेस्ट रेसिपी बनानी है। वो रेसिपी वो डिश ऐसी होनी चाहिए कि ना सिर्फ हमारे जजेस को पसंद आए बल्कि भाई हमारे पूरे मित्तल परिवार को पसंद आ जाए। और इंप्रेस होने के बाद क्या होगा, आप चारों में से किसी एक को मिल जाएगी मित्तल परिवार के टॉप कुक की नौकरी। करेक्ट, ठीक है। और तुम लोगों को अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए 2 घंटे मिलेंगे। रॉकी भाई, आपको जो भी चीजें चाहिए वो हमने आपके टेबल के ऊपर प्रोवाइड की हैं, तो ये सब आप मतलब आप ये सब घर से क्यों लेकर आए? करछी और चाकू देखकर मामूली समझे के अंकल, मामूली ना है, साक्षात बजरंग बली का आशीर्वाद है। थारे को एक सैड स्टोरी सुनाऊं? हाँ। महाराणा मुंबई में आने का एक ही मकसद था, एक बड़ा हीरो बनना। ये चमचमाती गाड़ियां, ये लड़कियां, चारों तरफ वो बंगले, पर फिर जिंदगी ने ऐसी गुलाटी मारी कि सब कुछ धरा का धरा ही रह गया। फिर मैं एक दिन थक हार के भूख प्यास से बजरंग बली के मंदिर जा पहुंचा, जैसे अमित जी गए थे वो दीवार वाली फिल्म में। बिल्कुल सही जा रही हूँ दादी साहब, ये बात। फिर मैं वहां गया और मैंने जाकर जोर जोर से घंटियां बजाई। पूछने गया था मैं बजरंग बली से कि उन्होंने मारी किस्मत में क्या लिखा है और कुछ लिखा भी है कि नहीं, पर कोई जवाब ना आया। मैं थक के वहीं पे वहीं सो गया। पता है फिर जब मैं उठा तो मैंने क्या देखा? क्या देखा? तो मैंने अपने बाजू में पाया ये बक्सा। हाँ? मैंने बहुत पूछा, इधर उधर देखा, किसका बक्सा है किसका बक्सा है, पर कोई जवाब ना मिला अंकल जी। फिर मारे दिमाग की बत्ती जली, मारी आंखें खुल गई दादी सा, आंखें खुल गई। फिर मैंने अपने आप को समझाया, बेटा रॉकी तू ये लड़कियों के दिल धड़काने के लिए नहीं पैदा हुआ है और ना ही इन बड़ी पिक्चरों का हीरो बनने के लिए, तू पैदा हुआ है लोगों के पेट पे राज करने के लिए। बस फिर क्या था, मैंने उस दिन डिसाइड कर लिया कि मैं COO के कुक बनूंगा। फिर क्या था, ये बक्सा उठाया और चल बसा, हमारा मतलब बक्सा उठा के चल पड़ा। और वही बक्सा उठाकर ये यहाँ चले आए, लेकिन आज पता चल जाएगा कि इनकी बातों में कितनी सच्चाई है और कितनी कहानी। ओ अंकल, मारे को ना डराने की कोशिश मत करना, अब उनसे वेग से डरता है, बजरंगबली से बाकी किसी से नहीं समझ में आया। हे माता रानी प्लीज आज मारी मदद करना, इस घर में नौकरी पाना हमारे लिए बहुत जरूरी है, अपनी बेगुनाही साबित करने का यही एक तरीका है हमारे पास, और असली मुजरिम ने पकड़ने का भी। प्लीज हमारे खाने में कोई जादू डाल देना, कोई ऐसा चमत्कार दिखाना, हमारे हाथ का खाना खा के सब खुश हो जावे। बोलो बजरंग बली की जय। चलिए शुरू करते हैं। चांदनी चौधरी ढाबा, रात दिन यहाँ शोर
सराबा आधा है नॉन वेज और वेज है आधा स्पष्ट कीजिए क्या है इरादा चाहिए नान या रोटी चाहिए रान या बोटी मंगा लो राम कसम कष्ट हो जाए ये रॉकी कितना एंटरटेनिंग है ना इसको खाने बनाते हुए देखना इज आल्सो सो मच फन आई जस्ट होप हमारे घर के लिए ना ये कुक बन कर आ जाए बट पता नहीं टेस्ट कैसा होगा सोचो अगर ये हमारे घर पे कुक बनकर आ गया तो खाना खाने और बनाने दोनों में ही मजा आएगा अरे वाह तनु यहाँ तो बहुत बढ़िया कंपटीशन चल रहा है मॉम आप सही टाइम पर आए हो अभी बस खाना बनने ही वाला है यू कैन टेस्ट हाँ तनु तू टेंशन मत लेना मैंने सबको सेट कर दिया है किंचु कुया मैं आयान भाई को लेके आती हूँ और मैं सिड ब्रो को बुलाता हूँ ठीक है व्हाट गायब कैसे हो सकता है वो तुमने उसे ठीक से ढूंढा हाँ सर हमने हर जगह चेक कर लिया पर उनका कुछ भी अता पता नहीं है ना घर पर ना एकेडमी में इनफैक्ट किसी को कुछ भी नहीं पता है कि वो अचानक कहाँ गायब हो गया और हमने तो एयरपोर्ट बस स्टॉप रेलवे स्टेशन हर जगह चेक किया पर उसके नाम से कोई भी टिकट बुक नहीं हुई है हाँ तो क्या धरती खा गई या आसमान निकल गया उसे हो सकता है वो बाई रोड शहर छोड़कर चला गया हो या फिर यहीं कहीं हमारे आसपास छुपा बैठा हो इसके अलावा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम उसके फोन की लोकेशन ट्रेस करो वो भी चेक करके देख लिया है पर कोई फायदा नहीं है सर उसकी लास्ट लोकेशन एकेडमी की मिल रही है और उसके बाद से उसका फोन बंद है सर फाइन फाइन तुम अपना काम करते रहो कोई ना कोई हिंट जरूर मिलेगा ऐसे अचानक कैसे गायब हो सकता है विशाल कहां गया होगा इसे एकेडमी में लाने वाली कनिका आंटी थी तो उन्होंने उसे हायर करने से पहले जरूर बैकग्राउंड चेक किया होगा क्या करूं कनिका आंटी से बात करूं नहीं ठीक नहीं होगा उन्हें वैसे भी उसके और मेरी दुश्मनी के बारे में सब पता है भाई आपको नहीं पता आप इस रूम में बैठ के क्या क्या मिस कर रहे हो आपको पता है बाहर चार कोक्स है और चार चादर तरह के आप ना मेरे से चलो भाई आपको तो बहुत मजा आएगा चलो अरे सुन मैंने क्या करना है चार कोक का मुझे बहुत जरूरी काम है प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत कर भाई आपको पता है हमारे पास एक कंटेस्टेंट है रॉकी ही इज अ सेलिब्रिटी कुक आई जस्ट होप कि वो सिलेक्ट हो जाए कौन रॉकी भाई रॉकी को बताया नहीं दिखाया जाता है वो चलता फिरता आर्ट पीस है आप उसे मिलोगे ना तो आपको भी पता चल जाएगा और आप कहोगे कि बाहर में जाएगा कंपटीशन रॉकी हमारे लिए काम करेगा भाई ही सो एंटरटेनिंग आप चलो आपको बहुत मजा आएगा चलो अरे प्लीज। क्या प्लीज भाई प्लीज मुझे काम है तू सु छोड़ो ना सबको यार भाई क्या हो रहा है ये तूने मुझे क्यों बुलाया आके आप इस मनोहर दृश्य से वंचित ना रह जाए खाना बनाने का फन तो आपने मिस कर दिया लेकिन खाना खाने का सुख मैं आपको देख कर जस्ट माँ देखो आया ना गया आप लोग अपने अपने टेबल से पिछड़ जाइए अब एक एक करके आप लोग अपनी बनाई हुई डिश को जजेस को टेस्ट कराएंगे
दो घंटे की जबरदस्त मेहनत के बाद फाइनली फूड रेडी हो चुका है, तो अब हमारे जजेस हमारे कुक्स के हाथों से बना हुआ खाना टेस्ट करेंगे और बताएंगे सबसे ज्यादा अच्छा किसका है। स्वाद तो बहुत बढ़िया है, टू स्पाइसी। अरे वाह, सजाए तो बहुत सुंदर है, सारा ध्यान सजावट में ही डाल दिया कि टेस्ट भी है, चेक करते हैं। स्वाद कहाँ है खाने का बेटा? What the hell? बाकी सबको तो अच्छा लगा मेरा खाना, बस आपको ही प्रॉब्लम है। टेस्ट के बारे में कुछ पता भी है आपको? अरे हेलो, कैसे बातें करती है? अच्छा हुआ चली गई, वरना बाद में हम सबको रुलाती। चल भाई रॉकी, अब तेरी टर्न। जी बिल्कुल। ये खाना ना अयान पहले तू टेस्ट कर, अगर तुझे अच्छा लगा फिर हम सब टेस्ट करेंगे। ओके। बहुत टेस्टी है, इट्स टू गुड दादी। लगता है ये थेरेपी भी काम कर रहा है यहां पर, इतने दिनों के बाद वो मुस्कुराया है। दादी सा, ये बिना तेल वाला सूप मैंने खास सारी उम्र और सेहत पे ध्यान रखते हुए बनाया है, पर स्वाद पे कोई कॉम्प्रोमाइज ना किया। मुझे तो ये पता ही नहीं था कि तू डाइट वाला खाना भी इतना टेस्टी बना सकता है। हैवी टेस्ट करो। वाकई अच्छा है। यही तो है राकी भाई का कमाल। इसके पहले ना मैं कियारा भगनानी के यहाँ काम करता था, उसके सौ तरीके के नखरे थी, झिकझिक डाइट 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 के करता। उसको ना हमेशा कुछ डिफरेंट और स्वादिष्ट बनाकर खिलाना होता था। फिर मैंने वहीं से सीखा कि हेल्दी और डाइट फूड भी स्वादिष्ट हो सके। अच्छा बनाया ना। अब दादी की आंखों की चमक और अयान की मुस्कान देखकर लगता है कि हमें रॉकी को फाइनल कर देना चाहिए। क्यों दादी? हाँ हाँ भाई, मेरी तरफ से तो हाँ है। हमारी तरफ से भी हाँ है। तो मित्तल हाउस कुकिंग कॉम्पिटिशन जीत लिया है रॉकी ने। सलाम रॉकी भाई।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।